Hello friends, from today we are starting our online video lecture series of Current Affairs Important Topics 2019 and 2020. Today's topic is World Health Organization. Let's start with the background of WHO. It is a specialized agency of the United Nations. It was established on 7th April 1948, headquartered at Geneva, Switzerland. April 7th is commemorated as World Health Day every year. WHO is a member of United Nations Development Group. इससे पहले जो global body health related हुआ करती थी, that was Health Organization, which was part of League of Nations. But after Second World War, this League of Nations became United Nations. और UN की जो specialized agency है, जो health related issues को deal करती है, that is WHO. There are 194 member states, 150 country offices and 6 regional offices. Regional offices की अगर बात करें तो इंडिया में जो इसका regional office है, that is in New Delhi. इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक regional offices की टेबल शेयर करूंगा. Secondly, the objectives of World Health Organization is to direct and coordinate countries related to international health. Basically, it's an intergovernmental organization. Its sole purpose is to deal with the matters related to health, as the name suggests. Its apex governing body is World Health Assembly. World Health Assembly is the forum through which the World Health Organization is governed by its 194 member states. Abhi recently, World Health Assembly ki meeting hogi Geneva, Switzerland ke andar. Is meeting ke do important agendas hain. First, ताइवान रिलेटेड इशू को एड्रेस किया जाएगा एंड सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर एक मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज ने किया है दैट इज टू प्रोब और इंक्वायर अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस द ओरिजिनल मेंबरशिप अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करूं तो जो ओरिजिनल मेंबरशिप इसकी फर्स्ट असेंबली के अंदर जो मेंबरशिप थी दैट वाज ऑफ 55 मेंबर स्टेट्स आज वो मेंबर्स 194 हो गए ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट मोर देन 3 डेलीगेट्स वन ऑफ द डेलीगेट्स इज डेजिग्नेटेड एज चीफ डेलीगेट दीज डेलीगेट्स आर चोजन फ्रॉम अमंग द पर्संस मोस्ट क्वालिफाइड बाय देयर टेक्निकल कॉम्पिटेंस इन द फील्ड ऑफ Health. The Health Assembly meets in regular annual sessions. और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इस साल का जो session होगा, उसके दो important agendas हैं, Taiwan related issue and second to inquire the probe of corona, origin of coronavirus. Taiwan वाला issue इसलिए address किया जा रहा है, because Taiwan is not a permanent member of WHO. Taiwan एक ऐसा कंट्री है जिसने आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा जिसने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत इफेक्टिवली केटर किया है नेक्स्ट अगर मैं WHO के इंसेप्शन से इसके अचीवमेंट्स की बात करूं तो इसका पहला अचीवमेंट था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस इन 1948 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस से जो ग्लोबल डिजीजेस थे उनको इन्होंने टेबल के फॉर्म में बताया और वर्ल्ड के सामने रखा सेकेंडली 1952 में डॉक्टर जोनास साल्क ने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट किया था एट दैट टाइम उस समय पे पोलियो वॉज अ मेजर हेल्थ इशू तो जो वैक्सीन डेवलप हुआ उस वैक्सीन को ग्लोबली अवेलेबल करवाया WHO के कैंपेन ने इंडिया के अंदर भी WHO का पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम इफेक्टिवली चला जो सेकंड मेजर अचीवमेंट रहा वो रहा जो पहला डिजीज इन्होंने केटर किया दैट वाज यॉर्स और इस डिजीज को केटर करने के अंदर भी WHO ने एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया नेक्स्ट 1974 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्ट्स अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम That is, the purpose was to provide vaccines to all the children.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज WHO ने जो केटर किया दैट वाज एक डिजीज हुआ करता था वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, दैट इज रिवर ब्लाइंडनेस, ऑन्कोसेरेसियस। उस डिजीज को WHO ने सक्सेसफुली इरेडिकेट किया। 1977 में WHO ने फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट डेवलप की, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट डेवलप की। करंटली 156 कंट्रीज एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट को फॉलो करते। 1978 के अंदर कजाकिस्तान का एक शहर है, आज की डेट में उस सिटी को अल्माटी कहा जाता है, उस सिटी के अंदर एक समिट हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई रिलेटेड टू प्राइमरी हेल्थ, जिसके अंदर हेल्थ फॉर ऑल एजेंडा को अडॉप्ट किया गया, जिसको आज भी WHO फॉलो करता है। 1979 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है WHO का, दैट इज इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स विच किल्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ WHO। आफ्टर दैट इन 2003 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो एक बहुत डिजास्ट्रस डिजीज था, कोरोना भी जिसका एक सिमिलर फॉर्म है, उसको इरेडिकेट करने में भी WHO ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे WHO के। सो इन अचीवमेंट्स को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव एस्टेब्लिश किया, और इसको लॉन्च करने के बाद 99% पोलियो के केसेस जो हैं वो वर्ल्ड में अब खत्म हो चुके। 2003 में WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल भी इनिशिएट किया गया, विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ WHO। देर आर मेजर 8 हेल्थ कैंपेन्स लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये 8 इंपॉर्टेंट हेल्थ कैंपेन्स हैं, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज हेल्ड एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर इसको कम्यूमरेट किया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड एड्स डे। ये 8 मेजर हेल्थ कैंपेन्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इस साल का जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक था उसकी थीम थी वैक्सीन फॉर ऑल, और 2020 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। द WHO डेजिग्नेटेड द ईयर इन कमेमोरेशन ऑफ द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ WHO। नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO की फंडिंग। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप is planning to put a hold on America's funding to the World Health Organization, accusing it of becoming China-centric during the ongoing coronavirus pandemic. So, सबसे पहले हम बात करते हैं WHO को funding किस तरीके से की जाए। There are 4 kinds of contribution that make up funding for the WHO. These are, first, assessed contributions. These are the dues countries pay in order to be a member of this organization. The amount each member state must pay is calculated relative to the country's wealth and its population. The second major contribution is of voluntary contribution. It comes from the member states in addition to their assessed contributions. Thirdly, core voluntary contributions. And fourth, pandemic influenza preparedness. This fourth initiative was started in the year 2011. The largest contributions in the WHO done by the US. US is the WHO's biggest contributor, making up 14.67% of the total funding. Now, this is the important point to remember. US is followed by an independent organization, Bill and Melinda Gates Foundation,
forming 9.76%. The third biggest contributor is the Gavi Vaccine Alliance, headquartered at Geneva. ये एक important organization है जो worldwide vaccine related issues को address करती है. और ये तीसरी major contributor है with a contribution 8.39%, fourth being UK and the fifth being Germany. The four next biggest donors are international bodies, that is United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 5.09%, World Bank 3.42%, Rotary International 3.3%, and European Commission 3.3%. India makes up 0.48% of the total contributions and China 0.21%. Allocation of funds ki agar hum baat karein, to out of the total funds, the majority fund is allotted for the Africa region. Sabse zyada paisa Africa region ko diya jata. उसके बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन 963.9 million फॉर द WHO हेडक्वार्टर्स फॉलोड बाय साउथ एशियन रीजन. दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूशन. अगर बिगेस्ट प्रोग्राम एरिया की बात करें तो मनी सबसे ज्यादा अलोकेट किया जाता है पोलियो इरेडिकेशन के लिए, विच इज 26.51%. सो दिस इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ WHO. और अगर रीसेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर यूएस अपनी फंडिंग WHO को बंद करता है तो इट वुड बी अ मेजर सेटबैक फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इश्यू जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO. द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज डॉक्टर टेड्रोस. डॉक्टर टेड्रोस बिकेम द डायरेक्टर जनरल इन द ईयर 2017. He belongs to the African country, Ethiopia. The important point to understand is he is the first non-physician director general of WHO. He is a malaria expert and a PhD holder. Again, the important point to understand is how he became the director general of WHO. So in 2017, also he is the first African to hold this position. So in 2017, he became the head of WHO with the support and lobbying of China. Majority African countries, around 50 African countries, voted in his favor. So the recent controversy was he visited China during this ongoing crisis, in the beginning of this crisis, and he delayed the news, as per US and some countries, he delayed the news of this outbreak. So these are the major allegations on the Director General, Dr. Tedros. Now the controversy related to Dr. Tedros is, I told you earlier, he is a malaria expert and Ethiopia's health minister from 2005 to 2012. Allegations are that during his tenure, he covered cholera epidemics happened in Ethiopia 2006, 2009, and 2011. The government labeled the outbreaks which led to the deaths of hundreds of people as acute watery diarrhea, a symptom of cholera. Again, one more issue related to this organization is related to the country, that is Taiwan. Now, majorly Taiwan is considered as part of China. Taiwan is a self-governing democratic island which has never been ruled by the government of People's Republic but is claimed by Beijing as part of its territory. So Taiwan is not the member of WHO. और मैंने आपको बताया था World Health Assembly की recent meeting के अंदर इस issue को discuss किया जा रहा है. Lastly, the first director general of WHO was Brock Chisholm. He belonged to Canada. Director General is appointed by the World Health Assembly. Term is of 5 years. Director Generals can be appointed for multiple and subsequent terms. Currently, the Deputy Director General in WHO is Indian Soumya Swaminathan. And lastly, the regional offices of WHO
The region Africa, Europe, Southeast Asia, Eastern Mediterranean, Western Pacific, and the Americas. So the Southeast Asian office is in New Delhi. Thank you so much, guys. आगे भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.